सर खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, आज भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, पुलिस पर आरोप लगाए हैं, तो किस तरीके से आप देखिए ये विषय आपको भी ध्यान में, हमको भी ध्यान में है, क्योंकि ये विषय हरियाणा से जुड़ा नहीं है, ये दिल्ली से या वहाँ जो केंद्रीय उनकी जो टीमें हैं खिलाड़ियों की उनसे जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी FIR करने के लिए कह दिया है, FIR हो गई है, पुलिस प्रशासन की जाँच करेगी। फिर भी जो जिस प्रकार के प्रेशर बनते हैं उस प्रेशर की बजाय बातचीत का अगर रास्ता हो तो बातचीत के रास्ते से चीज़ें हल होती हैं। ये जो आरोप लगाए गए हैं इसमें कितनी सत्यता है नहीं है, ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के देख रहे हैं, जब चीज़ आई है उसी में से पता लगेगी और जो निर्णय होगा वो। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आपको 8 साल के बाद जनसंपर्क टूट जाएगा, क्योंकि आपने कहा ये हमारी सहयोगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाए हैं कि आपको 8 साल बाद जनसंवाद कार्यक्रम याद आया है। किस तरह की समस्याएं आ रही है सर जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान, किस तरह का फीडबैक है जनता से, क्योंकि आप जनता से तीन तरह के आप कह रहे हैं प्रश्न है। पहली बात तो जनसंवाद के नाते से आपको देखा ही है आप लोगों ने मीडिया, बहुत से लोग आप से भी वहाँ मुझे मिले हैं, जनता से हम पूछते हैं कि हमारी सरकार का कोई आपको अच्छा काम लगता है तो बताइए, हम बताने के बजाय जनता ही अपने आप में इतने सारे विषय वो उठाती है, पारदर्शिता का, भ्रष्टाचार से मुक्ति का, उनको जो सेवाएं मिलती हैं, योजनाएं मिलती हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात है, उनको जो इलाज होते हैं, जिस प्रकार से हमने गांव में लालोरा खत्म किया उसकी रजिस्ट्री होने का, तो जितने लाभ उनको आज समय गिनाए जा रहे हैं वो सब बताते हैं, बल्कि 8-10 साल पहले क्या होता था ऐसा स्पष्ट रूप से लोग बताते हैं। इसलिए मेरे बजाय जनता का जो एक उत्साह वर्धन जिस प्रकार का हुआ है इन सारी चीज़ों को लेकर के स्वाभाविक रूप से उसको हमें भी उसकी प्रसन्नता है, हमने जो काम करने सालों में किया उसका कहीं ना कहीं लोगों पर प्रभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्याप्त है। ये बात भी ठीक है कि कुछ छोटी छोटी समस्याएं प्रॉब्लम्स जो लगातार एक नॉर्मल एक ऐसा विषय लगातार चलती हैं, मानो कहीं तालाब भर गया है, पानी का गंदा है, तो वो हर साल होता है, हर साल बरसात से पहले उसको खाली कराते हैं, इस बार खाली कराने की बात कह दी है। कुछ नए जो तालाब बनने लगे हैं तो उसके ऊपर जैसे यहाँ ये जो अपना पाड़ा में कल परसों ही एक टीम आपके पत्रकारों की गई थी, बाहर से जो पत्रकार आए हुए थे, रायपुर से, दिल्ली से, जयपुर से, गुजरात से, जो पत्र आए वहाँ देख के आए हैं, मतलब कि आपके इस प्रकार के तालाबों की कल्पना कभी किसी ने की नहीं है। अब ऐसे जो 100-125 जो तालाब हैं सबसे पहले जो बन रहे हैं उनको देखा देखी दूसरे गाँव की भी डिमांड आ गई, वैसा तालाब हमारा भी बनाओ, कुछ गाँव में लाइट लगी है तो वैसी ही डिमांड आ गई कि हमारे गाँव में भी स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, CCTV कैमरा लगने चाहिए। तो आज गाँव का नागरिक जागरूक हुआ है, उसके जागरूकता के कारण से उसकी डिमांड्स बढ़ी हैं, हमने वादा किया उनको कि सारी डिमांड्स क्रम से धीरे धीरे पहले बड़े गांव में फिर छोटे गांव में सब कराएंगे, पैसे की किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी गांव के विकास में नहीं आने देंगे। विकास के नाते से पारदर्शिता ये पहली कंडीशन है, जैसे ई टेंडरिंग का विरोध कुछ लोगों ने किया था, अब गांव के लोग खड़े होकर के समर्थन करते हैं इस बात का कि नहीं आपका बहुत अच्छा ये स्टेप है, आपको ई टेंडरिंग से करने से हमारे जो टेंडर छूट रहे हैं यानी जो एस्टिमेट्स होते हैं उससे 30% कम में और टेंडर जा रहे हैं, सब गांव में सरपंचों को भी उनको ध्यान में आया है कि हम उसमें से मुक्त हो गए, यानी सरपंच जिनको लगता था जो पहले ये बस्ते गुम कर देना, बस्ते ना देना जो जिम्मेवारी होती थी उससे मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ई टेंडरिंग से सारी चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है और कोई सरपंच आज सरपंच है कल मानो नहीं भी रहेगा, उसको कोई बस्ता जमा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज 1100 सरपंच ऐसे हैं जो अपने पिछले साल का पिछले टर्म का बस्ता दे नहीं रहे हैं, कोई गड़बड़ है तभी नहीं दे रहे ना, इसलिए गांव में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ओवरवेलमिंग जी जी आपने जो कहा गठबंधन, देखिए हमारा जो गठबंधन है वो सरकार का गठबंधन है, हमारा पार्टियों का गठबंधन ना कभी पहले हुआ है ना अभी कोई है, हाँ आगे चल करके जैसे चुनाव आएंगे ये सब जिन्हें चुनावी रणनीति के विषय होते हैं, तो रणनीति के विषय चुनाव के निकट होते जैसा होगा आपको बताएंगे। सर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आपको 8 साल के बाद जनसंवाद कार्यक्रम याद आया। देखिए मुझे उनको कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जो जनसंवाद मैं कर रहा हूँ वो भी कर रहे हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, लोकतंत्र में जनता के बीच जाने का सबका काम होता है, बल्कि अभी भी मैं तो कहता हूँ जो जनता में नहीं जा रहे उनको भी जाना चाहिए, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते से जाते हैं, हम भी अपना पॉलिटिकल जो हमारा फ्यूचर है उसके नाते से, फिर हमने सरकार के नाते क्या किया है और वो हम जनता को सुनना भी चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं, और उन्होंने 10 साल पहले सरकार ने क्या किया था ये भी जनता को आकर बताना पड़ेगा, तो जनता को तो अपना मत बनाने के लिए ये सारी बातें सुननी होती हैं,
और जनता जो सुनती है उसमें रोल चाहे विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो बराबर का रोल होता है जनता में जाना। उनको पीड़ा क्यों हो रही है? उनकी जमीन खिसकी हुई है और जब जमीन खिसकी हुई है तो हमने अगर एक कदम वहाँ रखा है गाँव में आज याद आ गया है क्योंकि आज घबराहट पैदा हो गई है कि अब जो है सरकार की सारी बातें वर्तमान की भी लोगों को पता लग रही हैं 10 साल पहले की पता लग रही हैं। जनता अपने आप लोकतंत्र में जो चुनाव आता है उसमें निर्णय करते हैं उस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं।